यहाँ तक कि जो अधमरा पड़ा है उसको लात मार रही है और उससे राष्ट्रगान करवा रही है और उसकी जान चली जा रही बात। ये दिल्ली पुलिस की ये वाली भूमिका ये कोई नहीं पूरी कर रहे। जिन लोगों को उन्होंने खुद इकट्ठा किया और खुद जिन लोगों से हिंसा करवाई उन्हीं से वो आज कह रहे हैं कि अच्छा होली मत मनाना, ठीक है खून की होली मना लेना, खून की होली मना लेना, लेकिन होली मत मनाना। भाई ये कहाँ की बात है और कैसी बात है समझने की जरूरत है कि वो बंदूक चलाने वालों को जो है उस पर राजद्रोह नहीं लगा रही है, JNU के छात्रों पे लगा रही है। वो जो है वो बंदूक चलाने वालों, गोली मारो कहने वालों की गिरफ्तारियां नहीं कर रही है। JNU के अंदर जो लोग सर फोड़ रहे हैं महिलाओं की, छात्राओं की, टीचरों की, उनको नहीं गिरफ्तार कर रही। ये दिल्ली में जो आग खुद लगाए हैं उसी आग को जा करके पश्चिम बंगाल में भी लगाने की तैयारी में है, बिहार में भी लगाने की तैयारी में है, पूरे देश में लगाने की तैयारी में है। ये बात हम सबको पहचानने की ज़रूरत है और ये इससे पता चलता है कि जिन नारों के साथ में दिल्ली में हिंसा शुरू हुई गोली मारों के नारों के साथ में, वही नारे वहाँ कलकत्ता में अमित शाह के समर्थकों ने कलकत्ता के सड़कों पर लगाए, लेकिन कलकत्ता की जनता ने उनसे कहा कि आप वापस जाओ और हम नहीं चाहते कि ये आग जो है वो हमारे यहाँ पहुँचे। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल साफ है सबके सामने कि दिल्ली में एक एक जान जो गई है, जाने गई हैं, हिंदुओं की भी जाने गई हैं, मुसलमानों की तो जाने बहुत बड़ी संख्या में गई, एक भी जान जो गई है, एक भी खून का बूंद जो गिरा है वो उस खून से अमित शाह के हाथ रंगे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के हाथ रंगे हुए हैं। वो इससे पता चलता है कि इस हिंसा को रोका जा सकता था, दिल्ली पुलिस रोक सकती थी, लेकिन उल्टा दिल्ली पुलिस ने जो भी था उसमें एक तरह से हिंसा करने वालों को संरक्षण दिया, उन्हें बढ़ावा दिया और यहाँ तक कि हिंसा में शामिल हुए और मुसलमानों को टारगेट करने वाले हिंसा में शामिल रहे, ये सबके सामने दिखा। और इसकी जवाबदेही हम किससे लेंगे, इसकी जवाबदेही हमको होम मिनिस्टर से ही लेना होगा जिनके तहत दिल्ली पुलिस। मैम आप एक इतनी बड़ी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता भी हैं, आपने लंबे समय से कई आंदोलन देखे, क्या जितना डर अभी दिल्ली में है क्या ऐसा डर का माहौल कभी पहले भी हुआ है? दिल्ली में ऐसा डर का माहौल तो हम सुनते हैं, मैं तो बच्ची थी उस समय, लेकिन 84 के दंगों के समय जरूर सिखों के बीच में था, जरूर इस तरह के डर का माहौल गुजरात 2002 में था। और इसलिए हम लोगों के बीच में इस तरह के माहौलों का बनना, मैं बॉम्बे में जब थी 92 में तो उस समय भी था, इसलिए ऐसा नहीं है कि ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया। लेकिन मैं कहूँगी कि जिस हद तक एक तरह से बेशर्मी के साथ में पूरी राज्य व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था, पूरी राज्य व्यवस्था, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, ये तमाम लोग जिस तरह से इस हिंसा में एक तरह से शामिल हैं, इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, इस हिंसा से आँख चुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि होते रहने दो, ये शायद पहली बार देश में देखा जा रहा है कि इतने हाई लेवल तक, ये सिर्फ किसी राज्य सरकार तक नहीं है, ये एक तरह से केंद्र सरकार के एकदम आला नेता जो है वहाँ तक ये हिंसा की कड़ी जाती है, ये तो देश में पहले। लेकिन ये तो हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था क्योंकि गुजरात में खुद अमित शाह नरेंद्र मोदी ने ठीक यही चीज़ तो करवाया और इसको वो आज पूरे देश में करवाने की तैयारी में है। ये इन्होंने कहा था 6 दिन और विकास, वो तो उल्टा किए हैं, पूरा बेरोजगारी छा गया है, अर्थतंत्र बेकार, लेकिन जो काम उन्होंने गुजरात मॉडल वाला, वो काम जो उन्होंने गुजरात में लागू किया था सचमुच, उसको तो वो यहाँ लागू कर रहे हैं पूरे देश में। जो देश जलाने का काम है, जो लोगों को लड़ाने का काम है आपस में और जो मुसलमानों के कत्लेआम करने का। मैम जैसे रात एक अफवाह उड़ती है और भगदड़ में एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्या सिस्टम पूरी तरह समझ नहीं पा रहा दिल्ली को, कहाँ फेल? नहीं समझ, ये फेलियर नहीं है। पहले तो ये कि मैं मानूंगी कि देखिए इतनी जब ताकतवर सरकार है, सरकार की ताकत को मैं कम करके बिल्कुल नहीं आंकती, इसलिए अगर ये सरकार ताकतवर है तो ये उसकी कमजोरी या फेलियर नहीं, इसकी कामयाबी भी ही मैं मानूंगी कि वो अफवाह फैलवा रही है, वो लोगों की जाने ले रही है। और इसलिए ये जो जितना कुछ दिल्ली में हो रहा है, जितने लोगों की जाने जा रही हैं, जितनी अफवाहें उड़ रही हैं, इन सारी चीज़ों को मैं एक बहुत प्रायोजित मिशनरी, जो मिशनरी के बारे में अमित शाह ने खुद कहा था, याद होगा आपको उस वीडियो में उन्होंने कहा था कि सच हो या झूठ हो हम किसी भी चीज़ को फैला सकते हैं, इसलिए सच का परेशान मत रहो, आप वायरल कर दो किसी भी चीज़ को, वायरल कर दो चाहे वो झूठी क्यों ना हो। वो यही चीज़ तो वो कर रहे हैं, ये जो अफवाह फैलाए जा रहे हैं इसको वो वायरल करने का काम कर रहे हैं झूठों को, और उसमें एक डर का माहौल बनाए रखना, हमेशा लोगों में एक भय में, डर में लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, मारकाट शुरू कर दें, इसी की उम्मीद में ये लगे रहते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये लोग जो इसी तरह से राजनीति करते हैं, इन्हें जवाबदेह जिम्मेदार ठहराने की ज़रूरत है। इस राजनीति को सिर्फ दिल्ली में नहीं,
दिल्ली ने तो खारिज किया, लेकिन बावजूद इसके वो कर रहे हैं इस काम को। लेकिन इसमें जो बंगाल में, बिहार में भी ये फैलाने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी खारिज करने की बेहद जरूरत है। मैम, लगातार 80 दिन हो गए लगभग सीए के आंदोलन, और आप ही आंदोलनों में हिस्सा ले रही हैं और देख रही हैं, क्या सरकार पर दबाव बनाने में ये आंदोलन नाकाम रहा? जिस प्रकार के बयान अभी भी सरकार के आ रहे हैं, कल भी आया अमित शाह ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, क्या आखिर सरकार तो देखिए पीछे तो हट रही है, इन द सेंस के एनपीआर एनआरसी पे वो अब झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसका कोई लेना देना सीए से नहीं है, खुद समझा रहे थे क्रोनोलॉजी इससे पहले। लेकिन इसीलिए इसमें जीत तो हमारी हुई है, जैसे कि जीत हो रही है, मतलब पूरी जीत नहीं हुई, लेकिन जैसे बिहार में खुद भाजपा को भी वोट देना पड़ा है ऐसे रेजोल्यूशन पे ये कहते हुए कि एनपीआर एनआरसी को बिहार में नहीं लागू करेंगे वगैरह, तो इसको हमें और आगे तक बढ़ाना है और हमें कहना है कि बिल्कुल किसी भी हुलिया के साथ में एनपीआर को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, किसी भी हुलिया के साथ एनआरसी को नहीं। और सीए की जहां तक बात है तो नागरिकता आपको देना है तो उसके लिए आपको किसी सीए की जरूरत नहीं, आप जो कानून था इससे पहले उसके तहत भी दे सकते थे, दीजिए। लेकिन सीए जो फर्क करता है हिंदू मुसलमान में, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। और आप जो कह रहे हैं ये देने के लिए, लेने के लिए नहीं, लेने वाला काम तो एनपीआर एनआरसी कर रहा है, उसके बाद आपका सीए आकर के जो लोगों की नागरिकता चली गई है उसमें उन्हें बांटने का काम करे, इससे देश के सारे गरीबों को खतरा है, यहाँ हम लोग बोलेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि कल देश के युवा बड़ी संख्या में यहाँ आएंगे 3 मार्च को, और यंग इंडिया के तहत जो कार्यक्रम होगा उसमें ये रहेंगे और मार्च करेंगे दिल्ली में कत्लेआम के लिए न्याय मांगते हुए और सीए एनपीआर एनआरसी को खारिज करने की मांग के साथ। सबसे बड़ी बात ये कहते हुए कि जो देश का पैसा है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, वो एनपीआर एनआरसी पे क्यों खर्चा होगा, वो खर्चा और डिटेंशन कैंप बनाने पे क्यों खर्चा होगा, वो आप खर्चा करिए तो हमारी शिक्षा पर खर्चा करिए, हमारे रोजगार पर खर्चा करिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा करिए, राशन पानी पर खर्चा करिए, बिजली पर खर्चा करिए, इस पर आप खर्चा करिए। और ये जो बकवास एनपीआर एनआरसी देश को बांटने पर, देश के तमाम लोग नागरिकों को खतरे में डालने पर जो ये है, उस पर आप कतई खर्चा। मैम, आपने अभी बिहार की बात करी, बिहार में एनआरसी को और एनपीआर को लेकर रेजुलेशन पास हुआ, क्या वो चुनाव को देखते हुए उन्होंने पास किया? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, नहीं मैं आपको बताती हूँ कि बिहार में मैं खुद वहाँ लगभग कई हफ्तों तक वहाँ रही, वहाँ हम लोगों ने बहुत खास करके CPIML ने वहाँ पे बहुत लग करके, खास करके हिंदू गरीबों के बीच में, गैर मुस्लिम गरीबों के बीच में कैंपेन किया, समझाया कि NPR NRC CA से आपको क्या खतरा है और क्यों ऐसा है कि ये हिंदू मुस्लिम मामला नहीं है बल्कि ये गरीब विरोधी है, सभी गरीबों को, देश के गरीबों को गुलाम बनाने के लिए ये कानून आ रहे हैं। और इसमें जो बड़ी संख्या में 25 फरवरी को बिहार के गरीब आए सड़क पर, एक तरह से उसका दबाव महसूस करते हुए इन लोगों को कहना पड़ा कि नहीं, NPR NRC नहीं लागू करेंगे। ये अलग बात है कि वो आधा अधूरा उन्होंने रेजोल्यूशन लिया, क्योंकि उन्होंने NPR में कहा है कि ये सवाल नहीं होंगे तो, लेकिन NPR का सवालों से मामला नहीं है, NPR का मामला ये है कि संदिग्ध नागरिक कोई भी तहसीलदार किसी को भी घोषित कर सकता है, वो प्रावधान तो 2003 से है, उसका 2010 और 20 का मामला नहीं है वो, तो उसको पूरी तरह से खारिज करने के लिए अभी भी आंदोलन जारी है। हम लोगों ने कहा है कि ग्राम सभाओं से बिहार भर में लोग रेजोल्यूशन लेंगे NPR NRC CA को खारिज करने की मांग के साथ में, वो आंदोलन अभी बढ़ेगा, वो अभियान अभी बढ़ेगा, इसमें हम लोग भी लगेंगे। लेकिन मामला ये है कि वहाँ पर बिहार के लोग इस समझदारी पर पहुँचे, हिंदू मुस्लिम छोड़ करके, कि NPR NRC CA से सबको खतरा है, और उन्होंने जब दबाव डाला तो उस दबाव के सामने वहाँ की सरकार को, हो सकता है चुनाव के मद्देनज़र, लेकिन कहना पड़ा कि नहीं नहीं हम लोग ये तबाही जो है, एक तरह से नोटबंदी की तरह वोटबंदी, हम वोटबंदी, अभी वोटबंदी वाली तबाही सब पे नहीं छोड़ने जा रहे, ये कहना पड़ा, झूठ ही सही, आधा सच ही सही, लेकिन कहना तो पड़ा, इस पर हम लोग को काम। लेकिन मैम, कुछ मुस्लिम नेताओं का कहना है कि हमें दिल्ली पुलिस पे विश्वास नहीं है, यहाँ पर आर्मी लगा दी जाए जब तक शांति ना हो, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की छवि भी खराब होगी, जो कहा जाता देश की सबसे अच्छी पुलिस है? दिल्ली पुलिस की छवि तो आज से नहीं, वो जो उसने उसका छवि दिखाई दिया कि वो बंदूक चलाने वालों को जो है उस पर राजद्रोह नहीं लगा रही है, JNU के छात्रों पे लगा रही है, वो जो है वो बंदूक चलाने वालों, गोली मारो कहने वालों की गिरफ्तारियां नहीं कर रही है, JNU के अंदर जो लोग सर फोड़ रहे हैं महिलाओं की, छात्राओं की, टीचरों की, उनको नहीं गिरफ्तार कर रही, ये आज से नहीं है। और अभी जो दिल्ली पुलिस की भूमिका इस पूरी चीज़ में रही है, तो बिल्कुल वो जो लोग मदद के लिए कॉल कर रहे हैं उनको वो उनका उनके मदद में वो पहुँच नहीं रही है, वो दंगाई भीड़ के मदद में पहुँच रही है, CCTV कैमरा डिस्ट्रॉय कर रही है, यहाँ तक कि जो अधमरा पड़ा है उसको लात मार रही है और उससे राष्ट्रगान करवा रही है और उसकी जान चली जा रही है। ये दिल्ली पुलिस की ये वाली भूमिका ये कोई नहीं भूली। लेकिन याद रखिए कि दिल्ली पुलिस सिर्फ दिल्ली पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस होम मिनिस्टर के तहत है, और इसीलिए जितने दिल्ली पुलिस के ये जो पाप हैं उसे होम मिनिस्टर अमित शाह के यहाँ हमें ये करना होगा। अब देखिए सेना भी आएगी तो सेना भी कैसे रहेगी, क्या
क्या करेगी हम नहीं कह सकते, इसलिए मेरे से पूछिए तो हम तो कहेंगे कि सरकारों को जवाबदेह ठहराना ये देश के नागरिकों का काम है। अगर देश के नागरिक ये ठान लें कि हम लोग इस हिंसा इस नफरत को नहीं बढ़ने देंगे तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, और ये जितना कोशिश करें इनको हम नाकाम कर सकते हैं। इस हिंसा को बिहार चुनाव से जोड़ के देख रहे हैं, आप भी कैसे मानते हैं? बिहार चुनाव और अन्य जगह के चुनाव, सब जगह तो बिल्कुल ये करना चाहती है, ये पूरे देश में ये जानती है कि अगर देखिए भाजपा के पास में और कुछ भी देने को नहीं है, वो रोजगार देने का वादा था उल्टा पड़ गया, विकास देने का वादा था उल्टा पड़ गया, अर्थतंत्र जो है वो बेकार हो गया, तो एक तरह से वो वापस बैक टू पेविलियन जा रही है और कह रही है कि ये हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने वाला जो काम हमने गुजरात में किया था, मुसलमान विरोधी नफरत और दंगा अगर हम भड़काते हैं उसी बहाने हो सकता है हम सत्ता से चिपक पाएं। लेकिन देश के नागरिकों पर ये जिम्मेदारी है जवाबदेही, क्योंकि ये याद रखिए कि किसी एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात नहीं, अगर इस तरह की हिंसा नफरत फैल गया तो बगल के घर में जो आग लगेगा वो सबके घर आकर के लगेगा, कोई नहीं बचेगा उस आग में, और हमारे देश को इस तरह की आग लगाने से, हमारे संविधान को इस तरह से आग लगाने के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उसे बचाने के लिए उनका साथ देना बेहद जरूरी है। ठीक है, कपिल मिश्रा ने आज ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मैं होली नहीं मनाऊंगा, मैं दंगों से दुखी हूं। कपिल मिश्रा की ये जो तरीके हैं इनको कैसे देखते हैं? देखिए वो किस चीज़ से दुखी हैं, चक्कर तो ये है कि ये तो वो तो अपने अपने जो मास्टर हैं नरेंद्र मोदी उनसे सीख रहे हैं कि दंगा खुद करवाओ, दंगा जो है वो हिंसा खुद करवाओ, खुद गोली मारने की बातें करो, खुद नेतृत्व करो भीड़ का जो दंगा कर रही है, और उसके बाद में कह दो कि अच्छा मैं तो दुखी हूँ पीड़ित हूँ। ठीक है, आप किस चीज़ से दुखी हैं? जितने बयान जितने भाषण उनके हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, सिर्फ वो पहला वाला नहीं उसके बाद भी आप देखिए, तो वो सारे बेहद खतरनाक हैं, हिंसा को बढ़ावा देने वाले भाषण हैं, और लेकिन वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर कोई जज भी कल को कह देगा, जैसे कहा जज साहब ने कहा इनकी गिरफ्तारी करो, तो जज साहब का ट्रांसफर हो जाएगा, कपिल मिश्रा को के वो आँच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके पीछे अमित शाह नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उनके पीछे देश की सरकार है, देश की पूरी सत्ता है, दिल्ली पुलिस है, इसलिए ये सच्चाई हम सबके सामने है। इसके खिलाफ इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है, इससे बड़ा जो है देश की तबाही क्या हो सकती है कि बेसिक आपके लोकतांत्रिक व्यवस्था काम नहीं करे, और कोई नेता जो हिंसा भड़काता हो वो एक तरह से इस तरह से छुट्टा खुला घूम सकता है। इसको बदलने का काम जो है देश के नागरिकों डबल टैक्टिक से, एक तरफ आप करोगे और फिर उसके बाद इसको एक तरीके से नहीं, लेकिन टैक्टिक्स को मानेगा कौन? देखिए बात तो है कि वो सब देख रहे हैं कि कपिल मिश्रा किसके सामने कर रहे हैं, जिन लोगों को उन्होंने खुद इकट्ठा किया और खुद जिन लोगों से हिंसा करवाई उन्हीं से वो आज कह रहे हैं कि अच्छा होली मत मनाना। ठीक है, खून की होली मना लेना लेकिन होली मत मनाना, भाई ये कहाँ की बात है और कैसी बात है समझने की जरूरत।